तो गाइस आज हम करने जा रहे हैं स्विच चेंज अपने बोर्ड के। तो आपको मैं सभी को बताना चाहूँगा, आप घर में भी खुद भी कर सकते हैं स्विच चेंजेस। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह के पैनल्स हैं। आपको ये दिख रहे होंगे पैनल्स, मैं अभी नया लेके आया हूँ। ये पुराने वाला था, थोड़ा सा काफ़ी पुराना हो गया था। तो मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, ये मॉडलर स्विचेज हैं और मैं अभी नया लेके आया हूँ फेबल्स के। तो इसके इस तरह से थोड़ी सी कटिंग है जैसे कि आप देख सकते हो, ये और ये। अभी मैंने स्विच अभी ऐसे ही लगाए हैं टेम्परेरी बेस पे। तो अभी मैं थोड़ा सा इनको चेंज करूँगा क्योंकि आई थिंक मैंने ये गलत लगा दिया। ऊपर नहीं, थोड़ा नीचे रखूँगा ताकि वायर आराम से, लेकिन ऊपर भी ठीक है, यहाँ पे अपना पावर से कनेक्ट नहीं होगा। तो अभी मैं इसको अभी चेंज करके आपको मैं दिखाऊंगा आज किस तरह से आपको घर में खुद की वायरिंग खुद रिपेयर कर सकते हैं, स्विच चेंज कर सकते हैं इजीली, किसी इलेक्ट्रिशियन को आपको बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का एक कनेक्शन दे दिया है जो हमारा पावर सॉकेट रहेगा, क्योंकि हमारी पावर इस वाले स्विच से आएगी यहाँ पर। और यहाँ से पावर आने के बाद अगर हम इसे ऑन करते हैं, यहाँ से पावर ट्रांसफर होगी यहाँ पर। यहाँ आने के बाद फिर ये यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है, तो ये हमारा ऑन ऑफ का काम करने लग जाता है। तो हमारा ऑन ऑफ हो जाता है यहाँ पे। हमारा कनेक्शन है यहाँ से यहाँ तक, पावर हमें यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करनी है, फिर यहाँ पे हमारी ऑन है। जब हम स्विच ऑन करते हैं पावर यहाँ से यहाँ तक जाती है, और यहाँ से जाने के बाद यहाँ जाती है, तो हमें पावर इस सॉकेट पे मिल जाती है। फिर जब हमारा ये सॉकेट देखोगे आप, यहाँ पे पावर आपको मिल जाएगी। बाकी अभी मैं पूरा सेटअप करने के बाद आपको फिर बताता हूँ। तो गाइज हम ले आए हैं आपके लिए दूसरा बोर्ड जो हमने अभी तैयार किया था। ये मैंने पूरी फिटमेंट कर दी है। जो फैन के ऊपर से केबल आ रही है वो एक ये वाली केबल है जो मैंने रेगुलेटर से कनेक्ट कर दी है, और एक रेगुलेटर की केबल ये फैन के स्विच से कनेक्ट कर दी है। और इस पे मैं देने वाला हूँ इन्वेटर का वायर, जो ये आपको ग्रीन वायर दिख रहा होगा। दिक्कत ये थी कि अगर मैं इसमें सिंगल में देता हूँ तो इन्वेटर की केबल मेरे को दोनों में देनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों पंखे मेरे चलेंगे इन्वेटर से। तो अभी एक केबल मैं अगर इधर देता हूँ, एक केबल इधर देता हूँ, दो वायर फिर एक स्विच को भी देनी है। मेन स्विच हमारा जो ये वाला है, इसको भी हमें इन्वेटर पर देना है एक को, और एक रहेगा पावर पर। तो अभी फ़िलहाल हमने कनेक्शन तो कर लिए इसका, जो आप देख सकते हो यहाँ से जो केबल जाएगी, यहाँ से करंट गया इसके अंदर, और यहाँ से केबल नेगेटिव का। तो दो नेगेटिव चाहिए थी, नेगेटिव मैंने यहाँ से रेड केबल दी है और जो कनेक्ट हो गई है यहाँ नेगेटिव पे, और यहाँ से हमारी दूसरी स्विच में जो जा रही है ऑन ऑफ वाले में, यहाँ से हम एक पावर का सप्लाई देंगे और एक पे देंगे इन्वर्टर। इन्वर्टर से यहाँ से एक केबल आएगी जो यहाँ पे कनेक्ट होगा, और एक कनेक्शन यहाँ पे इन्वर्टर का, एक यहाँ पे इन्वर्टर का, और यहाँ इन्वर्टर का। इस वाले पे हमने इन्वर्टर नहीं दिया है क्योंकि ये हमारी अदर लाइट है जिस पे हमें इन्वर्टर की ज़रूरत नहीं है, जिसको हमें पावर से ही चलाना है। तो अभी फ़िलहाल मैं कनेक्शन करने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी तक था ये एक डेमो जो आप अपने घर में कर सकते हो खुद ही। अभी तक तो हमने रिस्क नहीं लिया था पावर सप्लाई का, अब हमें रिस्क लेना पड़ेगा थोड़ा सा, बट उसमें सेफ्टी के साथ आपको काम करना है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी सारे कनेक्शन कर लिए हैं जो ऊपर से सप्लाई आ रही है, जिनमें करंट नहीं होता, और करंट है या नहीं वो चेक करने के लिए हमारे पास टेस्टर है। टेस्टर से हम कोई भी वायर चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर इन्वर्टर के लिए लाइट जल रही है, और यहाँ पे हम पावर सप्लाई की हम लाइट देख सकते हैं, वहाँ पे आप लाइट जल जाएगी। अभी इस बोर्ड में अभी कोई भी सप्लाई नहीं है करंट की, इस बोर्ड में है। अभी हम ट्रांसफ़र करेंगे इस बोर्ड से इस बोर्ड पे और हमारा पैनल हो जाएगा नया। मैंने स्विच बोर्ड ये निकाल दिया है, पहले ये था, अब वो आ चुका है। अब पहले से शायद मे भी अच्छा लग रहा हो, और पहले इस तरह का था, बिल्कुल ही थोड़ा सा पुराना हो गया। और ये मैंने चेंज कर दिया है, इसमें स्विचेस ज़्यादा थे, पावर प्लग नहीं था, एक और चाहिए था वो कम पड़ रहा था, वो हमने लगा दिया। और यहाँ दो रेगुलेटर थे, और अभी मैंने नए लगा दिए। पुराने वाले भी ठीक थे बट काफ़ी पुराना हो चुका है, जिसकी वजह से क्या है कि कई बार शॉर्ट सर्किट भी होता था इसके पीछे।
और ये पावर प्लग यहाँ पे था, लेकिन इसमें क्या है कि कुछ घुसाना पड़ता तब जाके टू पिन लगता था, इसलिए ये भी चेंज किया और लगभग लगभग सभी चीज़ चेंज हो चुकी है और ये बोर्ड लग चुका है। अब यहाँ पे हम कंट्रोलिंग देख सकते हैं, जैसे ये पंखा चल रहा है, ये मैंने बंद कर दिया, सारे कनेक्शन चेक कर लिए और दूसरे वाला मैं ऑन करता हूँ, यहाँ से ऑन करता हूँ तो ये वाला पंखा चालू हो गया। और ये जो हमारा बटन है ये मिड लैम्प का है, जो अभी फ़िलहाल है नहीं, मैंने रिपेयर के लिए दिया हुआ है। और इसके बाद ये वाली लाइट, ये है इस वाली लाइट के लिए, जो अभी फेंसिंग जो बीच में मॉडलर के लिए बीच में लाइट दे रखी है, ये इसके लिए था। और नीचे ये मेरा इन्वर्टर पे है और ये हमारा पावर पे है। तो अभी आज के लिए इतना ही, और